नमस्कार देवियों और सज्जनों, और एक बार फिर मैं आप लोगों के बाबा रामदास और मेरे दद्दा उर्फ अजीत दा के पास आ गया हूं। और आज केवल एक सवाल पूछने आया। शुरुआत मैंने जिसलिए किया, ये क्या नई भसड़ मचाए हैं दद्दा, एक नया चैनल फिर से आप ले आए हैं? नया चैनल शुरू किया है, चैनल का नाम है स्लो जिंदगी। वाह कमाल है, क्या रहेगा इसमें? इसमें पहली बात तो स्लो जिंदगी रहेगी। अच्छा, एक वीडियो बनाया था मैंने, पूछे पीछे अभी परसों एक वीडियो बनाया था उसमें। कल तो मैं दिल्ली चला गया था तो मनाली में बैठ के एक वीडियो बनाया और बड़ा आराम से, मतलब गुफ्तगु वाले अंदाज में अपने व्यूअर से बात की। तो एक एक भाई ने बोला, क्या बुढ़ाऊ स्लो जिंदगी चैनल का नाम है, इतना स्लो नहीं बोलना है कि डेढ़ की स्पीड से देख रहे हैं तब भी जो है बढ़िया सुनाई दे रहा है। मैंने कहा नहीं, वो मूड वाली बात थी एकदम। तो सर स्लो जिंदगी है ना, मुझे देखिए, हालांकि मैंने तो कभी फास्ट जिंदगी जी नहीं है, पर मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूं कि बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं और एक रैट रेस अंधी दौड़ में लगे हैं। तो कल मैं कहीं पढ़ रहा था, हाँ जी, लोग तो इस युग में ऐसे हैं दद्दा कि वो लगातार कहते हैं तेज चलो, तेज करो, तेज सब कुछ तेज, उसमें आप उल्टा ले आए हैं। मतलब वही कबीर दास की उल्टी पानी, बरसे कंबल और भीजे पानी है। नहीं, मेरा मैंने चूंकि सारी जिंदगी बड़ी स्लो जिंदगी जी है, और मैंने अपने जीवन में एट द एज ऑफ 60 जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूं ना अपनी लाइफ को, तो मैं ये देखता हूं कि यार स्लो जिंदगी जीने का भी अलग मजा है भाई। फास्ट जब आप चलते हैं ना तो आप यू कांट अफोर्ड टू लूज द साइट ऑफ द रोड। आप अगर तेज चल रहे हैं बहुत तो आप अगल बगल देख ही नहीं सकते जिंदगी में आपके कौन से नजारे पीछे छूट गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत फास्ट जिंदगी जी पर कभी उन्होंने अपने बच्चों को बड़े होता नहीं देख पाए। तो ऐसे में मुझे लगा कि नहीं भाई, ये बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बताने की जरूरत है कि अरे भैया स्लो जिंदगी का भी एक अलग मजा है। कहां दौड़े चले जा रहे हो यार, किस रेट रेट फंसे हो? तो सर नया चैनल शुरू किया है, उसमें मैं अपना ट्रैवल, जैसे आपको पता है मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, तो मुझे बताया और दर्शकों आपको भी बता दे रहा हूं कि ये सबको फंसा के खुद इनकी जिंदगी बहुत फास्ट है, ये हवाबाजी कर रहे हैं। ये कल दिल्ली में थे, आज मनाली में है, परसों ये लखनऊ पहुंच जाएंगे, चौथे रोज दरभंगा मेरे पास आ जाएंगे, उसके बाद पता नहीं उसके बाद कहां पाए जाएंगे। ये कहीं भी 2 महीने से ज्यादा टिकते नहीं है, 1 महीने से ज्यादा, और ये सबको स्लो स्लो कहने की जाके खुद ब खुद सबसे तेज तीव्र धावक। नहीं ऐसी, देखिए इसमें थोड़ा सा एक पेच है। हाँ। आपने कहा ना 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकते हैं, मैं इधर महीना महीना वाकई एक जगह टिकने लगा हूं। नहीं तो एक स्टेज मेरी ऐसी आ गई थी, मैं 72 घंटा का मेरा जो था वो टाइम पीरियड था कि एक स्टेशन पर 72 घंटा, तीसरे दिन मेरी देह जो है ना खजुआने लगती थी, मैं बोर हो जाता था। मैं चलो यार आगे चलो, मतलब चाहे 10 किलोमीटर आगे जाके कहीं वापस डेरा जमा दो, पर एक जगह पे मैं बोर हो जाता। तो सब अपना ट्रैवल। अच्छा, मुझे खाने का बहुत शौक है, हैं? और खाने से ज्यादा बना के खिलाने का। अच्छा, मेरे एक मित्र है, मैं बनाया करता था तो बड़े फैनफेयर के साथ मैं बनाता था। तो एक हमारे मित्र बोले, अबे तुम बनाते हो, इतना हल्ला मचाते हो, इतना बड़ा आयोजन फान देते हो, और खुद मैंने देखा है तुम एक एक पीस खाते हो, एक टुकड़ा, एक इतना सा, और बना दिया तुमने हांडी पर। मैंने कहा मुझे बनाने में और खिलाने में मजा आता है, मेरा फोकस कभी भी खाने पे नहीं रहा। तो आई लव फूड, आई लव ट्रेवल, आई लव लिटरेचर, आई लव म्यूजिक, आई लव मीटिंग न्यू पीपल। मैं हमेशा नए नए लोगों से मिलना चाहता हूं। दद्दा के खाने का मैं मुरीद रहा हूँ, और ये वैसे हालांकि 7 साल पहले की बात है, क्योंकि 7 साल पहले तक मैं नॉनवेज खाता था, 7 साल तो अब हो गए मुझे छोड़े हुए,
तो साहब वो मैं बनारस से इनके घर गया था, करीबन कितने किलोमीटर होगा दादा? है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। और भाई साहब उस समय वो सड़क वड़क नहीं बनी थी अभी जो इतनी शानदार आप लोग 4 लेन 5 लेन 6 लेन देख रहे हैं। और क्या धूल और गर्द और गुबार से नहा के मैं पहुंचा, और वहां दादा ने हांडी पकाई थी। आप इनके हाथ का कुछ भी ट्राई करें ना करें, हांडी वाला चिकन या मटन, मटन अगर बना दें तो शानदार है, वरना चिकन पर काम चलाइए, उसकी गवाही मैं दे सकता हूँ। आगे बढ़िए दादा। तो साहब ये मैं दर्शकों को बता दूं कि स्लो जिंदगी नाम से चैनल है, मेरे सभी दर्शकों से निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं उसका लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप भी, आपसे भी निवेदन है, पहले तो आप ही जो है उसका। मैं आ चुका हूं। तो आज का जो विषय है, वैसे ये तो इंट्रोडक्टरी हो गया स्लो जिंदगी का जी। मैंने सुना है बिहार में एक गांव को पे वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जो है वो देखिए दादा, ऐसा है कि अभी हम लोग हंसते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन ये है बड़ी गंभीर बात। और आप बिहारियों का जो मजाक उड़ा रहे हैं ना कि बिहार में पटना के पूरे गांव पर, तो साहब इससे पहले चेन्नई पर कब्जा हो चुका है, चेन्नई के गांव में, और 1700 साल पुराने शिव मंदिर पर भी भाईजान लोगों ने कब्जा कर दिया था। और यूपी बहुत दूर नहीं है, बरेली में हिंदुओं ने लगाना शुरू कर दिया है कि हम मकान छोड़ के जा रहे हैं, सामूहिक पलायन का बरेली से भी आ गया है, आप देख लीजिएगा, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कारण क्या है नहीं है अभी फिलहाल मुझे नहीं पता है, लेकिन हिंदुओं ने वहां पोस्टर्स चिपका दिए। अब ये जो नया कुकांड किया है वक्फ ने, तो उसने अपने हिसाब से अपना काम किया है। भाई देखिए क्या है कि मुगल कौन थे, लुटेरे थे, डकैत थे, बर्बर थे, आतताई थे, सबसे बड़े हौसी थे, वहशी थे, और इसके अलावा क्या क्या मैं जोड़ू, शराबी थे, अफीमची थे। उस समय भांग वांग वो लोग नहीं खाते थे, भांग तो अच्छा नशा होता है, वो मुख्यतः शराबी और अफीमची थे। और इसके अलावा उनके हरम में क्या क्या होता था, कितनी रानियां रखेलें और क्या क्या होती थी, तो मतलब हर एक तरह से मानवता का जो सबसे जघन्य काम हो सकता है वो सारा कुछ इन मुगलों ने किया। लेकिन मुगलों ने किस पर किया, जोर पर किया, तलवार के जोर पर। और बाकायदा इस्लाम इस देश में जब आया था तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर आया था। कुरान के जरिए तो बहुत कम लोग बने मुसलमान, तलवार के जोर पर कई ने सलवार पहनी। अब वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है कि वो पूरी, क्योंकि जीन वही आया है, इसलिए वो लूट और डकैती को संस्थागत कर रहा है। और वह काम वो बिना तलवार के सो कॉल्ड कथित तौर पर वह कानूनी तौर पर करता है, क्योंकि आपके वक्फ को कानून ने इतना मजबूत बना दिया है। और अभी ये सरकार जब लाई तो किन किन लोगों ने चिल्ला चोट किया वो जरा देख लीजिए। और उन्हीं के दादा परदादा थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड को इतना शक्तिशाली बनाया कि वो आज आप जहां बैठे हुए हैं, अगर वक्फ की मौज आई और उसने कह दिया कि वो जमीन उसकी है तो आपको खाली करना पड़ेगा साहब, इसलिए मुझे पर मत हंसिए, मैं तो अब आ रहा हूं आपके पास, मेरे पास तो एक ठिकाना है आपका, आपके पास कौन सा ठिकाना है सो बताइए ना, जब मैं पहुंच जाऊंगा और मेरे जैसे बहुत सारे बिहारी पहुंचेंगे पटना से। क्योंकि पटना में क्या किया है इन्होंने, फतुहा के पास एक गांव है, पटना के पास फतुहा है, फतुहा के पास एक गांव है, उस गांव की 95% आबादी हिंदू है, मात्र 5% ये लोग हैं, और इनके अलावा भी अन्य है, एकाद कोई बौद्ध कहीं गलती से मिल गया कोई इस तरह से। उस गांव को इन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है और बाकायदा एक नोटिस चिपका दी है और 30 दिनों की छूट दी है कि 30 दिनों के अंदर वहां के हिंदुओं को निकलना है। अब वो हिंदू हाईकोर्ट गए हैं, जब वो हाईकोर्ट चले गए हैं तो अब मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ आंख खुलेगी सेकुलर अफीम का अंटा डाले हुए जो अफीमची हैं उनकी, और तब शायद उनको समझ में आएगा कि ये आग घर तक लग चुकी है।
और ये लोग भी तो बहुत शातिर है ना, वक्त वाले बदमाश हैं ये लोग, वरना ये तो तेजस्वी यादव के घर पर करते हैं कब्जा, उधर आपके यहाँ टोटी चोर है उसके यहाँ कब्जा करते हैं। भाई तुम गांव के वो गांव पर कब्जा कर ले रहे हो, तुम कर लो ना संसद भवन पर कब्जा कर लो यार, कह दो कि संसद भवन तुम्हारा। वैसे भी दिल्ली की 70% जमीन पर तो इन्होंने कब्जा कर रखा है, कब्जा नहीं भी कर रखा है तो दावा ठोक रखा है कि हमारी 70% जमीन पर मलकियत है। तो यही हुआ है, मुगलों से जो चीज चली आ रही है पुश्त दर पुश्त लूट की और डकैती की, उसको अब ये तरीका इन्होंने बदला है, मामला वही है कुल मिला जी। तो उद्धव भाव ठाकरे आएंगे कि नहीं तलवार लेके साथ में वक्फ बोर्ड के हिंदुओं का गांव खाली कराने? उद्धव तो चल पड़े हैं महाराष्ट्र से, और उद्धव ही क्यों आएंगे, अभी 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 ममता बानो ने कह दिया है कि मोदी बाबू तुम बंगाल में आग लगा रहे हो, तुम्हारा सीबीआई क्या किया इतने दिन में, अने 6 दिन पहले हमने केस दिया, अभी तक कह नहीं हूं सीबीआई सबको पकड़ के फांसी पर लटका दिए, और वो भी तब जब ममता बानो ने पूरा वहां घालमेल कर दिया है, वो पूरा हॉस्पिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, क्राइम सीन के साथ तोड़फोड़ हुई, इसके बावजूद ममता बानो ने कह दिया। तो इधर बंगाल से ममता बानो आएंगी, झारखंड से हमारे सोरेन जी जाएंगे, महाराष्ट्र से निकल पड़े हैं उद्धव भाव, आपके उत्तर प्रदेश से टोटी चोर आएंगे, और ये सब लोग पटना में पहले कब्जा दिलवाएंगे, उसके बाद अलग अलग जगह यूपी हो राजस्थान हो मध्य प्रदेश हो कहीं भी, वहां जहां भी वक्त ने जिस पर भी उंगली रख दी है वो जमीन वो जायदाद वो प्रॉपर्टी वक्त को दिलाने के लिए ये लोग दिन रात उस पर लगे रहे, यही फिलहाल का इनका एजेंडा है। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आखिर जब देश का धार्मिक नहीं मजहबी आधार पर जब बंटवारा हुआ, जब इन लोगों ने बाकायदा पाकिस्तान ले लिया, तो फिर यहां वक्फ बोर्ड बनाने की चूल किसे मची थी? ये चूल मची थी एक्सीडेंटल हिंदू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। अब उन्होंने तो वक्त करते कराते उन्होंने 1954 तक बना दी, उसके बाद 60-70 के दशक में इसको और शक्तिशाली बनाया उनकी बिटिया ने 2-3 अमेंडमेंट करके, और ये बात खास तौर से दक्षिणी टोले के लकड़बग्घों को सुननी चाहिए, जो लोग कहते हैं ना कि पंडित नरसिम्हा राव जी ने सोते सोते बड़ा काम कर दिया राम जी वाला, या पूजा करते करते कि पूजा पर बैठे रहे और उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो भाई साहब ऐसा है कि उन्हीं साहब के शासनकाल में वक्फ बोर्ड को वो असीमित अधिकार दे दिए गए जो आज सब जगह नासूर बना हुआ है, सब जगह बवासीर बना हुआ है, और वक्फ के कांटे का आज कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है, और जब सरकार उसको दुरुस्त करने गई नरेंद्र मोदी की, तो यही जो आपका राहुल विंची है विषधर राहुल, उसने और सारे टोटी चोर सहित सब ने, अब उसको वो चूंकि उसको स्टॉल करते तो सरकार ने पहले ही जेपीसी में भेज दिया कि ठीक है भैया सबकी राय ले लीजिए। तो ये बात जनता को सोचने और समझने की है कि आज वो पटना वाले तो बहुत सेकुलर थे, जादव जी के वोटर थे, आज क्या हो गया, जादव जी उनको अपने घर में रखेंगे जब ये निकाल देगा वक्फ वाला सब, या जादव जी उनका केस लड़ने गए कोर्ट में, कोर्ट में जो उनका केस लड़ेगा वो भी कोई कम्युनल ही लड़ेगा, आप समझ रहे हैं। तो ये तो मुझे तो मैं तो सीरियसली मना रहा हूं कि पूरे बिहार पर कब्जा कर ले वक्त, और पूरे बिहार पर घोषणा कर दे कि पूरा बिहार हमारी प्रॉपर्टी है। जहां जहां ये सेकुलर नेता है ना सो कॉल्ड, ये बीमार नस्ल जो है इनको, इनसे भी बीमार आदमी ही ठीक कर सकता है, तो वक्त को ये लोग बीमार बनाए हैं और वक्त इनको ठीक करेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि जहां जहां सेकुलरिज्म परवान पर है उन सब जगहों पर वक्त दावा करे, और इन सेकुलरों को, मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं,
जन्माष्टमी का तोहफा पाकिस्तान ने क्या दिया है, 700 वर्ष पुराने मंदिर को उन्होंने मदरसे में और मस्जिद में बदल दिया। ये है, और ये पंडित रवीश कुमार पाणे जी जो हैं उनके सवाल का जवाब है। उन्होंने एक बार पूछा था कि मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या हो? रे भाई, अभी कहीं पर 10%, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40 है, तब तो ये बवासीर बन गए हैं। जिस दिन ये बहुसंख्यक होंगे ना, ये सारी धर्म निरपेक्षता जो है पाणे जी लोगों की, उनके अमुक जगह में रख के और उसको रबर स्टैम्प से कूच देंगे और उसके बाद उनको करवाएंगे ये लोग 5 वक्त का की नमाज और सजदा। ये लोग बात समझते नहीं, सेकुलरिज्म इस देश में केवल और केवल इसलिए जिंदा है, या पूरे विश्व में आप देखिए ना, सेकुलरिज्म कहाँ है भाई। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ऐसे रख के बाइबल पर हाथ रख के कसम खाता है। अगर नरेंद्र मोदी श्रीमद् भगवद गीता पर हाथ रख के कसम खा लें तो ये लोग जहर खा लेंगे। 57 मुस्लिम देश हैं और बाकी जितने बचे हैं वो ईसाई कंट्रीज हैं, कोई घोषित हैं कोई अघोषित हैं, लेकिन चलते सब ईसाई मत से हैं। आपकी ये सेकुलरिज्म की जो चूल है ना, और खासतौर से ये हिंदुओं में ही है, ये सब की सब केवल तभी तक है जब तक हिंदुत्व इस देश में बचा हुआ है। जिस दिन हिंदुत्व गया ना, क्या अंजाम होगा उसकी बस कल्पना की जा सकती है। अभी बांग्लादेश ने कुछ झलक दिखलाई है, वो बस झलक थी। जब इस्लाम आता है, इसको काली आंधी वैसे ही नहीं कहा गया भाई साहब, ये इस पर सोचना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ा कारनामा बिहार ने किया है कल, वो आपको पता चला? आप क्या चाह रहे हैं, मैंने आपको घर वर पर रहने देंगे कि नहीं? कारनामा दर्शकों को बता दूं, कारनामा ये किया है कि एक कोई तथा कथित बाइक चोर को बिहारियों ने पकड़ लिया और उसकी पैंट, उसका पहले हाथ बांधे सब और उसकी पैंट उतार के उसके पिछवाड़े में लाल मिर्च छिड़क दिए, और सिर्फ छिड़क नहीं दिए, कलम लेके उसके पिछवाड़े में बकायदा प्रवेश कराए। तो इस पे सर मैंने देखा कि पूरी कांग्रेस पार्टी और आपके तेजस्वी भैया जो है एकदम पिछवाड़े पे, वो भी मर्चा पोत के कूदने लगे जैसे उन्हीं के मर्चा झोंक दिया हो। पर जब बाद में पता चला कि पिछवाड़े में मर्चा ठूंसने वाला तो भाई जॉन है, फिर अचानक मैं देख रहा हूं सब मर्चा शांत हो गया। ये क्या हुआ, हुआ क्या है एक्चुअली, एक्चुअल स्टोरी बताइए है क्या? नहीं देखिए, बिहार में तो वो देखिए स्ट्रीट लॉ तो कहीं भी चलता है ना, और भीड़ का कोई लेन देन तो होता नहीं है। तो भाई बाइक चोर पकड़ाया, भाई जान लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं आप जानते हैं कि कोई भी हिंदू जो रहता है या कोई भी इतर धर्म का, वो भाई जान लोगों के मोहल्ले में अपनी बाइक धीमी कर लेता है। इसलिए नहीं कि वो बहुत शरीफ है या उसको बहुत कानून का पालन करने वाला है, इसलिए कि डर से उसकी .. क्योंकि वो जानता है कि अगर गलती से किसी को छू गई बाइक या कार तो कार समेत उसको जला दिया जाएगा या कुछ कुछ के मार दिया जाएगा। तो उसी तरह भाई साहब गए अपना, इन्होंने चोरी वोरी की और उसके बाद इनके साथ जो होना था सो हुआ। और ये बाइक चोर भाई साहब किस वर्ग के, किस जाति के हैं, कुछ पता चला? ये अभी नहीं पता चला है। अरे मुद्दा वो, मुद्दा क्या रहे, राहुल जी ने अभी तक जाति जनगणना नहीं किया उसका? नहीं अभी नहीं किया है वो, दरअसल क्या कर रहे हैं रविश कुमार को अब तक जाति सर्टिफिकेट निकाल लेना चाहिए, दिल्ली में व्यस्त हैं। कौन जात तो नहीं पूछे? इसमें नहीं, अभी नहीं पूछे हैं। इसमें इसमें भी हंसी की इतनी भूमिका के बावजूद ये भी बहुत गंभीर बात है, और गंभीर बात इसलिए है कि बिहार में अभी संपूर्ण अराजकता है। अच्छा, बिहार चल रहा है और कैसे चल रहा है ये, मतलब नोबडी नोस।
क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बूढ़े हो गए हैं, बीमार रह रहे हैं और अब उनका इंटरेस्ट भी नहीं। तो पहले भी नौकरशाही हावी थी और नौकरशाही चला रहे थे बिहार को, लेकिन उसमें यह था कि उसके ऊपर एक नियंत्रण था नीतीश कुमार का और नेताओं का। अब यह है कि पूरा चल रहा है क्योंकि एक सिस्टम है तो वो चल रहा है। आप समझ रहे हैं कि एक सिस्टम है कि भाई ये हो जाना है तो वो हो रहा है, बट नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। तो हत्याएं बढ़ रही हैं, लूटमार बढ़ रहा है जिन जगहों पर 5-6 साल पहले ये स्थिति आ गई थी कि हम लोग आराम से रात के 10-11 बजे जा रहे थे। अब फिर वही दौर आने लगा है कि ढलते सूरज के साथ हमारे पैर पीछे आने लगे हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये भीड़ न्याय बढ़ा है, अभी आपने वो मिर्ची वाली बात कही, उसके अलावा बिहार में अभी 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां लोगों ने किसी को पकड़ा है और बहुत मार मारा है। कहीं ये हुआ है कि दिन दहाड़े बैंकों से तो दिन दहाड़े डकैतियां हो रही, लगातार हर एक दिन कहीं ना कहीं डकैती हो रही। तो ये कानून व्यवस्था की पूरी स्थिति बिगड़ी हुई है और ये अगले साल चुनाव तक ऐसे ही चलेगा। ये जंगल राज तो तेजस्वी के राज में होना चाहिए, नीतीश बाबू और भाजपा भी तो सरकार में है। हाँ तो भाजपा क्या करेगी, भाजपा को तो अब माननीय जो छोटे मोदी थे उसी समय से भाजपा जेवी संगठन है, और अभी बिहार भाजपा की यह हालत है कि जितने नेता उतने गुट, अगड़ा पिछड़ा द्वंद अलग चल रहा है। तो अभी बिहार भाजपा में एक तो दो चीजें हैं, एक तो एक ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी छतरी तले सब आ जाए। भाई नीतीश कुमार को ढोते रहने की मजबूरी क्या है, क्योंकि बिहार भाजपा में ऐसा कोई नेता ही नहीं है कि सब उसके नीचे आ जाए। नीतीश कुमार में वो बात थी तो वो कर रहे हैं। दूसरी बात, बिहार भाजपा में मान लीजिए कि 5 नेता हैं, मैं नाम ले सकता हूं लेकिन मैं लूंगा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं। 5 बड़े नेता हैं तो 5 गुट है वहां, कोई भूमिहारों का गुट है, कोई बनियों का गुट है, कोई यादव जी का गुट है, कोई बाबा जी का गुट है, कोई ठाकुर साहब का गुट है, इस सब तरह के गुट। तो ये लोग आपस में इतने परेशान हैं तो ये भला कैसे करेंगे मुकाबला। और जंगल राज दो क्या मतलब, भाई देखिए बालू माफिया, अभी बिहार में दो ही उद्योग चल रहे हैं, बालू माफिया का और दारू का। फर्क बस ये है कि अपहरण कम हो रहा है, हत्याएं कम हो रही है, वरना लालू के समय में जैसे अपहरण कुटीर उद्योग था तो अब बालू माफिया और दारू माफिया यही कुटीर उद्योग है। लगभग हर एक तीसरे बच्चे के बैग में दारू की बोतल मिलेगी आपको, और तस्करी खुलेआम हो रही है। अब दिक्कत यह है कि ये सब बातें आप जानते हैं लेकिन आपके पास क्योंकि तथ्य मतलब एविडेंस नहीं, या एविडेंस लेने जाएंगे तो आप मरा जाएंगे, तो इसलिए ये बातें केवल हमारे जैसे लोग जो जानते हैं वो कह देते हैं, धमकियों के बावजूद, तमाम चीजों के बावजूद, और बाकी लोग कहते भी नहीं। तो मुझे एक बात ये समझ में आ रही है सर कि बिहार को अब तक की जो लीडरशिप है ना वो थोड़ा सा आगे, मतलब 2 कदम आगे जाता है 4 कदम पीछे आता है, फिर 2 कदम आगे जाता है 4 कदम पीछे आता है, इस तरीके से हर कदम के साथ 2 कदम पीछे आ रहा है, ये मान लिया जाए। 2 कदम आगे नहीं, अगर 10 कदम आगे मान लीजिएगा तो समझिए कि 2-4 हजार कदम पीछे जा चुका है बिहार। अच्छा, 5 वर्ष में नीतीश कुमार ने जितना कुछ किया था 2005 से 10 तक, वो सब कुछ उन्होंने धो दिया है, और ऐसा धोया है कि सब गतर व्योत हो गया है, सब बर्बाद हो गया है, और अब बिहार के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं है। बाकी जिसको हो सो हो, वो तो अब खैर प्रसाद किशोर भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, क्रांति कर देंगे, लेकिन ऐसी क्रांति कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में सारे आरजेडी वाले छठुए जा रहे हैं। तो जिस पार्टी ने बिहार को बर्बाद कर दिया, जिस पार्टी का नाम तक लेना गुनाह होना चाहिए, जिस पार्टी के नेताओं को सभ्य घर में जगह तक नहीं मिलनी चाहिए,
उससे अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो आप कैसा परिवर्तन लाएंगे और कैसी क्रांति करेंगे, इसमें बाकी सबको संदेह हो मुझे नहीं। चलो भाई, बिहार पे चर्चा चलती रहेगी। आपने मुझे समय दिया, मुझे मालूम है आपका बहुत कीमती समय है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल खरी खोटी को और स्लो जिंदगी को भी सब्सक्राइब करें, वहां भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद व्यालोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय जय श्री राम।